भारत सरकार ने रायसेन जिले में सांची के बौद्ध स्तूप परिसर में रखे भगवान बुद्ध के शिष्यों अरहंत सारिपुत्र और अरहंत महामोगल्यान के पवित्र अवशेषों को दर्शनों के लिए थाईलैंड और कंबोडिया ले जाने की अनुमति दी है, जिसके बाद बुधवार को भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के निर्देशानुसार सांची में भगवान बुद्ध के शिष्यों के पवित्र अवशेषों को महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के प्रमुख वानगल उप नायक थेरू की उपस्थिति में कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रतिनिधि डीजे प्रदीप को सुरक्षित तरीके से सौंपा गया। वहीं अब इन पवित्र अवशेषों को हवाई जहाज के माध्यम से दिल्ली और फिर वहां से थाईलैंड और कंबोडिया विहार दर्शनों के लिए ले जाया जाएगा। वहीं ये पवित्र अवशेष 22 फरवरी से 18 मार्च तक दर्शनार्थ हेतु रहेंगे और इसके बाद पुनः वापस भारत लाए जाएंगे। रायसेन से संवाददाता नरेंद्र राय की रिपोर्ट। जो सांची महाबोधि सोसाइटी जो चैत्यगृह विहार है, उसमें भगवान गौतम बुद्ध जी के दो शिष्यों सारिपुत्र जी और महामोगल्यान जी की यहाँ पर जो पवित्र अवशेष रखे हैं, उसमें भारत सरकार के निर्देश से राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए गए थे कि उनको भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको सौंपा जाए। ये अवशेष जो हैं ये भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ थाईलैंड और अन्य देशों में ले जाए जाएंगे और वहाँ दर्शनार्थ रखे जाएंगे और दर्शन के बाद जिस प्रोटोकॉल से आज ये ले जाए गए हैं, सुरक्षित ले जाए गए हैं, रखा जाएगा।